मौजूद है। वाजपेयी को मैंने कहा था बाबरी मस्जिद विदेशी बनाया तोड़ डालो, बोला ताजमहल कौन तुम्हारे चचा बने, लाल किला कौन तुम्हारे दादा बने, चार मीनार कौन बने, ये सब विदेशी, ये सबको तोड़ डाल, ये तोड़े के बाद तो आयुष वाला क्या धोती दिखेगा, तो क्या दिखेगा। सिर्फ पॉइंट के ऊपर। और कभी भी मुस्लिम सियासतदान का फर्ज ये होना चाहिए किसी धर्म के बारे में कुछ गलत मत बोले, किसी के भगवानों को गाली मत दे, ये नहीं है। ला इकरा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। लकुम दीनकुम वलियद्दीन, तेरा दिन तेरे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। मैंने कहा आडवाणी को कन्वर्शन करा रहे, मैं बोला नहीं, हमारा ओन प्रोडक्शन ही संभाल लेने नहीं हो रहा, हमें बाहर से कहीं को ले लगाने जी हमें। अब यहां जो है हैदराबाद में पहले क्या था, वो गौसा मोहल्ले को गया, पौरक नहीं जगह नहीं है, और हमारे लोग बोलते भी नहीं, कितने बच्चे हैं, बेकार शर्म थी, नजर लग जाती, माठी में ला बोलो ना को कहते। मैं उससे हमेशा बोलता हूँ वोटर लिस्ट लिखा थे स्टेप को, एक दो रिंचा को लेकर चले जाओ, बच्चे बाहर आते नामा निकले का होते, मैं घर में पूछे तो बोलते नहीं। वोटर लिस्ट कितनी है कोई हम आइडेंटिफाई करके देखे, आइडेंटिटी कार्ड कितना है, आधार किसके पास है, क्या हमें इसके बारे में देखे, क्या हमारे मस्जिदों के अंदर जो है इमाम जुम्मा को एक दिन मिलता, कितना बड़ा इज्तिमा, साल का एक इज्तिमा, जुमा का एक इज्तिमा, इतना बड़ा इज्तिमा मिलने वाला है, क्या आज हमारे आलिमा इसके बारे में बोल रहे हैं। हमारे मसाइल जो है बहुत सारे हैं, ये एक दो नहीं है, लेकिन 70 साल में हिंदुस्तान में मसाइल क्या चले, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, शाहबानो, बाबरी मस्जिद, खत्म इसके ऊपर, ना रोटी का मसला, ना रोजी का मसला, ना तालीम का मसला। आज जो है तकरीर हो वो राम को, अब हमारे आदमी नारे तकबीर अल्लाह अकबर वोट दे दो, मैं खाला हालांकि आपका एमपी उनके भाई दोस्त के बच्चे मेरे, मैं बोला बाबा तुमने एक मौका मिला, तुम्हारी जबान से दूसरों को दर्द नहीं पहुंचना, जबान की हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बोलते, इस्लाम जो है तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान को तलवार ले को नहीं है, 20 आदमियों का काफिला था, उनके अखलाक को देखते गए 90 लाख लोग उनके हाथ के ऊपर बैयत किए। आज इतने बुजुर्गान दीन यहां पर आराम फरमा रहे हैं, किसी को एक को आप उनकी तारीख दिखा के देखे, एक बात गलत, एक बात गलत नहीं, सिर्फ 5 साल की कुर्सी के वास्ते वोट लेना। मैं बोला लेको करेंगे क्या तुम्हें, 5 साल एमएलए अल्लाह को जवाब क्या देंगे। याद रखो, अगर तुम्हारे पास दौलत है, माल की दौलत है, इल्म की दौलत है, जिस्मानी ताकत की दौलत है, ये तमाम दौलतें किस तरह खर्च किए हैं आखिरत के अंदर, ये हिसाब हुएगा। ये खौफ होना चाहिए दिल में, आज खुदा का डर इसलिए है, 5 साल में एमएलए कैसा तो भी बनना। हम बोले चंद्रशेखर राव इन्हें कर रहा भाई, इन्हें बीजेपी को नहीं चले जाएगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा। मैं बोला चुनखाने की मुर्गी को जुमेरात क्या जुम्मा क्या, उन्हें कल बीजेपी को नहीं जाता गारंटी क्या। तो तुम्हें जो है सोचो, तुमने एक मौका मिला, डेवलप करो। आज तुम्हें एमपी बने, कल मिनिस्टर बनो, ख्वाहिश है मेरी, क्योंकि हमारी जिंदगी कब तक रहती नहीं मालूम। आज करोड़ के घर में आए हम, घर बता बनाते स्टेप बड़ा डेकोरेशन, एसी का रहना, पेंट का मारना, 70 साल 60 साल रहने के घर को हमें इतना ख्याल करते, परमानेंट जाके सोने के खबर के अंदर क्या करना, ये कभी हमें सोचे हैं क्या। सांस निकल गई नाम बदल गया, इब्राहिम कर बोलते ने मैयत मुर्दा कब उठाते, जोर को उठाती का असर होगा ना जी, अब तक नहीं उठाए ना, लग जा को उधर दफनाओ, हम ना दूसरे काम आए, मोहल्ले वाले को अर्जेंट रहते दफनाने की। और तीन दिन जोरू बच्चे रोएंगे भी 3 दिन। अरे हमारे अमाल का झड़ती हमें देना, तो इसलिए मैं हमेशा गरीबा है, मैं बोलता तुम्हें खुश नसीब बाबा, मरे तो भी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं, बोलते